देश की आजादी के 75 साल, आजादी का अमृत महोत्सव, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, भाग 4, फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान, वॉल्यूम 4, श्री अर्जुन लाल जी सेठी। राजस्थान में जन जागृति एवं राजनीति के जन्मदाता कहे जाने वाले श्री अर्जुन लाल जी सेठी का जन्म 9 सितंबर सन 1880 ईस्वी में एक खंडेलवाल दिगंबर जैनी परिवार में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री जवाहरलाल जी सेठी था। श्री अर्जुनलाल जी सेठी अनेक धर्मों तथा भाषाओं के ज्ञाता तथा राजनीति के प्रकांड विद्वान के साथ साथ उच्च कोटि के लेखक, कवि, शिक्षक एवं व्याख्यान दाता थे। श्री अर्जुनलाल जी सेठी प्रथम श्रेणी के क्रांतिकारी नेता थे, या यूं कहें कि आप भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मदाता व चमकते हुए उज्जवल नक्षत्र थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के दीवाने श्री बाल गंगाधर जी तिलक, श्री महात्मा गांधी जी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी और श्री सुभाष चंद्र जी बोस श्री अर्जुन लाल जी सेठी को बहुत ही आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। श्री अर्जुन लाल जी सेठी ने 1902 में इलाहाबाद से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद चौमू के ठाकुर श्री देवी सिंह जी के शिक्षक नियुक्त हो गए। 1960 में श्री अर्जुन लाल जी सेठी ने लोगों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। प्रत्यक्ष रूप से या दिखावा के तौर पर तो यह एक धार्मिक विद्यालय था, लेकिन वास्तव में यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जयपुर के इस वर्धमान विद्यालय में न केवल राजस्थान से बल्कि देश के कोने कोने से कई क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने आते थे। धीरे धीरे श्री अर्जुन लाल जी सेठी का ये वर्धमान विद्यालय स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य और प्रसिद्ध अड्डा बन गया। कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन चलाने के लिए धन की महती आवश्यकता होती है। 20 मार्च 1913 को वर्धमान विद्यालय के शिक्षक श्री विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में 4 विद्यार्थियों ने मिलकर बनारस के मुगल सराय में एक धनी महंत व उसके नौकर की धन लूटने के लिए हत्या कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। एक छात्र श्री मोतीचंद जी को फांसी तथा श्री विष्णुदत्त जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। सबूत के अभाव में श्री अर्जुनलाल जी सेठी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली में 23 दिसंबर को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस जब चांदनी चौक से गुजर रहा था, तभी उस पर एक बम फेंका गया। माना तो यह जा रहा था कि बम फेंकने वाला क्रांतिकारी श्री रास बिहारी जी बोस थे, किंतु हकीकत में ये बम राजस्थान के क्रांतिकारी ठाकुर श्री जोरावर सिंह जी बारेट ने एक बुरका ओढ़कर चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी से फेंका था। इस बम कांड में राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी श्री बाल मुकुंद जी, श्री विष्णुदत्त जी, श्री मोतीचंद जी को बंदी बना लिया गया। इस होर्डिंग बम कांड मुकदमे में मुखबिर श्री अमीर चंद ने अपनी सरकारी गवाही देते समय यह रहस्य उद्घाटन किया कि इस होर्डिंग बम कांड के षड्यंत्र की पूरी योजना श्री अर्जुन लाल जी सेठी के द्वारा बनाई गई थी। इस कारण श्री अर्जुन लाल जी सेठी को दोषी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 5 अगस्त 1914 को जयपुर के महाराज के आदेश से उन्हें 5 का कारावास हुआ। जयपुर की शांति और व्यवस्था खतरे में न पड़े, इसलिए श्री अर्जुन लाल जी सेठी को वल्लोर मद्रास जेल में भेज दिया गया। 1920 में श्री अर्जुन लाल जी सेठी की 5 की सजा पूरी होने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। वल्लोर मद्रास के जेल से आने के बाद श्री अर्जुन लाल जी सेठी का कार्य स्थल जयपुर से बदलकर अजमेर हो गया। श्री अर्जुन लाल जी सेठी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर जी आजाद और उनके दल के कई लोग राय मशवरा व मार्गदर्शन के लिए आते थे। श्री अर्जुन लाल जी सेठी ने
मेरठ षड्यंत्र कांड के अभियुक्त श्री शौकत उस्मानी जी और काकोरी कांड के फरार अभियुक्त श्री अशफाक उल्ला खां को अपने घर में शरण दी थी। जेल से छूटने के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गांधीवादी कांग्रेसियों के षड्यंत्र से दुखी होकर श्री अर्जुन लाल जी सेठी कांग्रेस से अलग हो गए थे। श्री अर्जुन लाल जी सेठी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाने लगे थे। यही 23 दिसंबर 1914 को उनका निधन हो गया। दरगाह के मुसलमानों ने उन्हें मुस्लिम व्यक्ति समझकर दफना दिया। राजस्थान की राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले क्रांतिकारियों में श्री अर्जुन लाल जी सेठी अग्रणीय एवं महानायक थे। भारत के एक प्रख्यात क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी जी बोस के सानिध्य में आने के बाद उनके क्रांतिकारी विचारों से बेहद प्रभावित होकर श्री अर्जुन लाल जी सेठी सब कुछ छोड़कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े थे। क्रांतिकारी नेता श्री रास बिहारी जी बोस ने ही श्री अर्जुन लाल जी सेठी को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भार सौंपा था। महान क्रांतिकारी श्री अर्जुन लाल जी सेठी भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी स्मृतियां सदा सदा हमारी यादों में अमर रहेंगी, अमर रहेंगी। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।